अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अली अकबर साहब, और आइए इनसे जानते हैं कि जो ड्रामा चल रहा है दिल लगी चोनी, इनमें इनका क्या करदार है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का एहसान, दुआएं आपकी, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा ड्रामे में आपका क्या रोल है? जी ड्रामे मेरा किरदार है कि मेरी बेगम नाराज़ होके आई है ससुराल, और मैं उसको मनाने के लिए आता हूँ, तो ये मेरा करेक्टर। अच्छा मुझे ये बताएं, बाकी बातें तो बाद में देखी जाएंगी, बेगम को आप मना लेते हैं या नहीं मनाते, ये पॉइंट बताएं। हाँ, वो ये मुझसे कहती है कि जी मैंने उधर नहीं जाना, आपकी माँ मुझसे लड़ती है, आपके भाई मुझसे लड़ते हैं, बहनें झगड़ा करती हैं। मैं उसको फुल कोशिश करता हूँ मनाने की, एंड पे यही दिखाया गया है कि वो मान जाती है, फिर वो कुछ शर्तें होती हैं वो तय होती हैं, फिर वो मान जाती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये वाली बेगम तो आपकी मान जाती हैं, जो आपकी घर वाली बेगम है वो मान जाती है कि आप इस तरह किसी और को बेगम बनाए? हाँ ज़ाहरी बात है जी, वो तो माने माने हैं, वो मानी है तो घर पे है ना जी, अगर ना माने तो हमारा तो रोज़ झगड़ा होता है। ये ज़रा ड्रामा वाइज बात होती है, वो ज़रा घरेलू बात है, वो तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक जो है किस शहर से है? मेरा ताल्लुक जी बेसिकल पैदाइश मेरी सरगोधा से है, अब मेरा उबाई शहर लाहौर ही है, मैं अब इधर का रहायशी हूँ, और माशाल्लाह अरसा है कोई तकरीबन 21-22 साल से मैं ये शोबे से वाबस्ता हूँ, और मुझे सीनियर लोगों ने बहुत प्यार किया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे, और काफ़ी सारे मेरे सीनियर हैं जिनमें मैंने रह के बहुत कुछ सीखा है, और उन्होंने मुझसे भरपूर प्यार किया है, ऐसे ही किया है कि जैसे माँ अपने बच्चे को करती है, ऐसा मैंने प्यार लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।